हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन डॉट कॉम चैनल पर मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है उस पर बात नहीं करेंगे। नया कोई प्रोजेक्ट आता है तो टीसीपी की वेबसाइट पर पता लग जाता है, या फिर कुछ स्पेशल कुछ ऐसा आता है तो हम अलग से वीडियो बना देते हैं। आज बात करेंगे रेडी टू मूव अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे, जिनमें आप रह रहे हैं, हजारों लोग आप उससे इफेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। इसमें अभी तक एक बहुत वेग पिक्चर है कि जो मेंटेनेंस चार्ज है उसमें कौन कौन से पार्ट का जो चार्ज है वो आपको देना है, और कौन सा चार्ज बिल्डर आपसे चार्ज नहीं कर सकता, वो उसे खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। इसको लेके बहुत क्लैरिटी नहीं थी, तो इसी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से क्लियर पिक्चर आ गई है, एक ऑर्डर आ गया है। उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि क्या क्या बिल्डर को खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, उसका खर्चा बिल्डर को उठाना पड़ेगा, और किस पार्ट का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी चीज़ें, क्लियर पिक्चर हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद बिल्डर आपसे अगर जो चार्जेस मैं बताऊंगा कि बिल्डर को पे करने, जो मेंटेनेंस बिल्डर को करना है उसके लिए अलग से पैसे मांगता है, तो आपको क्या करना है उसका भी मैं आपको इसमें सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि मैं आपको गवर्नमेंट की जो कॉपी है नोटिफिकेशन की, ऑर्डर की, वो मैं आपको शेयर करूंगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वो कॉपी आपको कहां पर मिलेगी, तो वीडियो आप ध्यान से देखें। तो वीडियो मैं शुरू कर देता हूं। इसमें सबसे पहले जो कॉलम दिया गया है उसमें बताया गया है कि जो मेंटेनेंस है रोड की और जो अपकीप है, उनकी साफ सफाई है, वो बिल्डर को करनी पड़ेगी, बिल्डर को उसका पूरा खर्चा वहन करना पड़ेगा। अब हम बढ़ लेते हैं अगले पार्ट पे कि बिल्डर को और क्या क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको किस चीज़ के लिए पे करना पड़ेगा उसके बारे में बताऊंगा। अभी तक मेरी कई लोगों से बात हुई है जो अफोर्डेबल्स में रहते हैं, मुझे कई चीज़ें ऐसे पता लगी हैं जिसका खर्चा बिल्डर को करना चाहिए बट वो बायर से लेता है। वो क्या चीज़ें हैं उन पर भी आगे डिस्कस कर लेंगे। पहले ये चीज़ें जान लेते हैं कि बिल्डर को क्या क्या खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, उसके लिए वो आपसे पैसे नहीं ले सकता है। मेंटेनेंस रखनी पड़ेगी और उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक के पार्क्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, ये बिल्डर की जिम्मेदारी होगी उस प्रोजेक्ट के अंदर जो पब्लिक पार्क हैं उसको मेंटेन रखे, उसको अपकीप रखे, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता है। मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, प्रोजेक्ट के अंदर कोई डिस्पेंसरी है कुछ है, उसको मेंटेन करने का काम भी बिल्डर का होगा, उसके लिए आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा सकता है। आप इसको नोट कर लें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। मैं चाहता हूँ हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। जो भी अफोर्डेबल बाय कर चुका है या अफोर्डेबल जो बाय करेगा या अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में जो रहता है, इससे सारे लोग अफेक्टेड हैं, सब इससे जुड़े हुए हैं, सबका हित इससे जुड़ा हुआ है, तो ये वीडियो हर आदमी के पास पहुंच जाना चाहिए। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है लिफ्ट का, एनुअल जो उसकी सर्विसिंग होती है, जो मेंटेनेंस होती है, उसके लिए आपसे पैसे नहीं लिए जा सकते, उसके लिए बिल्डर को खुद से पे करना पड़ेगा। कॉमन एरिया को क्लीन करने में जो भी कॉस्ट आती है उसको इनकर्ड करेगा, उसको वहन करेगा बिल्डर, उसके लिए आपसे पैसे नहीं लिए जा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग अब तक इसके लिए पैसे दे रहे होंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन कॉमन एरियाज। कॉमन एरिया में कोई इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो प्रोविजन करने का काम है वो बिल्डर को खुद करना पड़ेगा। उसमें कोई अपग्रेडेशन करना हो वो बिल्डर को खुद से करना पड़ेगा। उसमें इलेक्ट्रिक पोल लगाने, बल्ब लगाने, लाइट लगाने, सारा का सारा खर्चा बिल्डर को खुद से करना पड़ेगा, उसके लिए आपसे चार्ज नहीं ले सकता है बिल्डर, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके प्रोजेक्ट में पावर बैकअप के लिए डीजी सेट या जनरेटर लगाया गया है उसकी जो कॉस्ट है वो बिल्डर आपसे नहीं ले सकता। हाँ, उसमें जो डीजल लगेगा उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, लेकिन जो जनरेटर बाय किया गया उसके लिए आपसे पैसा नहीं लिया जा सकता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की बात करते हैं कि पावर बैकअप के नाम पे अफोर्डेबल में बिल्डर डीजी सेट के लिए अलग से 1 से 2 लाख रुपए चार्ज करता है। तो 1000 अगर अपार्टमेंट है और 1000 लोगों से 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपए लिए गए तो बिल्डर ने आपसे कितने पैसे ले लिए, इसका अंदाज़ आप खुद लगा लीजिए, इसका कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए। डीजी जो जनरेटर लगेगा, डीजी सेट लगेगा, उसकी कॉस्ट जो वहन करनी पड़ेगी वो बिल्डर को खुद करनी पड़ेगी। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको मेंटेन करना, उसको चलाने का काम बिल्डर का होगा, उसके लिए आपसे चार्ज नहीं लिया जा सकता है। क्या लाइन है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रनिंग एंड अपकीप द सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एक्सपेंस इनकर्ड अपॉन द सैलरीज ऑफ द मैनेजमेंट स्टाफ
ऑफ द कॉलोनी एंड इंजीनियर मैन पावर लाइक प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, यानी प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन की जो सैलरी है वो भी आपसे नहीं ली जा सकती है, उसकी सैलरी भी बिल्डर खुद से देगा, और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो मेंटेनेंस है, जो उसको चलाने का काम है, वो बिल्डर को खुद से मेंटेन करना पड़ेगा। ये था बिल्डर का पार्ट, लेकिन इसमें कुछ पार्ट आपको भी वहन करना पड़ेगा। कुछ चार्जेज हैं मेंटेनेंस से जुड़े हुए जो आपको खुद पे करने पड़ेंगे, एक बार आप उसको भी देख लीजिए ताकि क्लियर पिक्चर आपके सामने हो, आपका डिस्प्यूट ना हो बिल्डर के साथ किसी भी तरह का कि नहीं ये तो आपको पे करना है, और बिल्डर कहे कि नहीं ये तो बायर को पे करना है। तो वो भी एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए आपको क्या क्या पे करना होगा। आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आप जिस घर में रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको पे करना पड़ेगा। आपका पानी का बिल, जिस घर में आप रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में आप रहते हैं, उसका बिल भी आपको पे करना पड़ेगा। आपके घर से डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है गार्बेज का, उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, बिल्डर उसके लिए पे नहीं करेगा, ये आपको याद रखना है। कॉमन एरिया के अलावा जो फ्लोर है आपका, उसको क्लीन रखने का जो काम है, उसके लिए जो चार्जेस होगा वो आपको देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। आपके फ्लैट के अंदर किसी तरह की कोई रिपेयर कराते हैं आप, कुछ कराते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, बिल्डर उसके लिए पे नहीं करेगा। लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि रेरा में प्रोविजन है कि 5 साल आप पोजेशन के बाद, 5 साल तक अगर किसी भी तरह की कोई आपके फ्लैट में दिक्कत आती है तो उसका जो मेंटेनेंस का काम है, आपके फ्लैट के अंदर किसी तरह की टूट फूट सीपेज आती है, उसको बिल्डर को ही पे करना पड़ेगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आपको इन रूल के साथ साथ रेरा के रूल भी ध्यान रखने हैं। आगे आपको क्या क्या चार्ज देने पड़ सकते हैं, देने पड़ेंगे, उनको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको फ्लैट मिल गया, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम कराना है, कोई बल्ब चेंज कराना है, प्लम्बिंग का कोई काम कराना है, आपको कोई अपनी टैप बदलवानी है या कुछ शावर बदलवाना है, उसका अगर कोई आप काम करवाते हैं, चाहे आप बिल्डर के आदमी से कराएं, चाहे आप किसी थर्ड एजेंसी से कराएं, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा, उसके लिए बिल्डर नहीं पे करेगा। आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, सब कुछ फ्री नहीं है, अफोर्डेबल का मतलब सब कुछ फ्री नहीं है। पावर बैकअप, जैसा कि मैंने बताया था, पावर बैकअप के लिए जो डीजी सेट लगा है, जो जनरेटर लगा है, उसको बिल्डर बाय करेगा, उसके लिए आपसे पैसे नहीं ले सकता। लेकिन जिसको चलाने के लिए जो डीजल चाहिए, जो मैन पावर चाहिए, उसको जो पे करना पड़ेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो लिफ्ट को चलाते हैं, लिफ्ट पे जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी, उसके लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के अलावा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स और है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनी डिफेक्ट लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एलओटी बट एक्सक्लूडिंग एनी डैमेज कॉज्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द लैप्स ऑन द पार्ट ऑफ द डेवलपर। इसके अलावा कोई सेंटर का टैक्स है, कोई स्टेट का कोई टैक्स है, वो भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कोई टेलीफोन लगवाते हैं, आप इंटरनेट की सर्विस यूज़ करते हैं, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए बिल्डर पे नहीं करेगा। और हाँ, इसके अलावा अगर कोई और चार्जेस होता है तो RW और बिल्डर मिलके उस पे अपना म्यूचुअल कंसेंट ले सकते हैं कि किसके लिए वो पे करेंगे, किसके लिए बिल्डर पे करेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, एलओटी को वो देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रेरा रूल, अकॉर्डिंग टू हरियाणा के जो दूसरे एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो पे करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई है कि क्या क्या आपको पे करना है किसी भी अफोर्डेबल में, और क्या क्या बिल्डर को पे करना है। इसकी आप जो पूरी कॉपी है ऑर्डर की, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियोज़ में, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहती है, नई नई चीज़ें, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम होती है, या कोई नया डेवलपर नया प्रोजेक्ट लेकर आता है, या कोई पुराना डेवलपर ही कोई प्रोजेक्ट लेकर आता है, कोई रीसेल की अच्छी यूनिट आती है, या कोई अपनी प्रॉपर्टी रीसेल करना चाहता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी हम अपने ग्रुप्स में डालते रहते हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी भी डालते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मुझे लगता है आपके पास बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ गई है क्या क्या आपको पे करना है और क्या क्या बिल्डर को पे करना है। एक बार इस ऑर्डर की कॉपी को आप ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। अगर बिल्डर आपसे किसी तरह का कोई गलत चार्ज ले रहा है तो आप इस ऑर्डर की कॉपी को बिल्डर को दिखा सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। बाकी आपकी RW है और आप हैं, आपको बिल्डर के साथ जो भी अगर दिक्कत आती है तो उसको देख के आप उसे निपटा सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो शॉर्ट है बट इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है जो ऑर्डर कमेटी की तरफ से जारी हुआ है। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।